तो फ्रेंड्स, क्या आप भी यूट्यूब में अच्छा खासा प्रोफेशनल तरीके का थंबनेल बनाकर वीडियो वायरल करना चाह रहे हैं? तो आइए, यह वीडियो इसीलिए है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और अच्छा खासा थंबनेल कैसे बनाते हैं ये जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय राजपूत और स्वागत करता हूँ आपका अपने VS राजपूत यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि अच्छा खासा प्रोफेशनल तरीके का थंबनेल बनाकर अपनी वीडियो को YouTube में कैसे ग्रो कर सकते हैं और अच्छे खासे व्यूज के साथ रिस्पांस अच्छा तगड़ा मिल सकता है। वो कैसे करना है आइए जानते हैं वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखिएगा ताकि आपको एक बाय स्टेप पता चले कि हमको कैसे और एक प्रोफेशनल तरीके का थंबनेल बना सकते हैं और अपने सिर्फ मोबाइल से, छोटा मोटा मोबाइल, कोई भी मोबाइल हो उससे अच्छा खासा मस्त एकदम प्रोफेशनल तरीके का थंबनेल हम बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फटाफट प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करते हैं पिक्स आर्ट और इसको ऐसे सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से फटाफट ये ओपन हो जा रहा है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, इसको अपना सिंग इन कर लेना या स्किप कर देना, कुछ भी कर लेना, जैसी आपकी मर्जी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, ऊपर एडिट ए फोटो पर क्लिक करना होगा। उस पर करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा और बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह के आपको बैकग्राउंड्स मिलेंगे। तो आप अपने पसंद के जो भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करना हो वो यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करना है। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रॉप क्लिक करना है। यहाँ पर से ऐसे इधर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर यूट्यूब देख सकते हैं, इधर इस साइड में यूट्यूब का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिकली यूट्यूब की थंबनेल की साइज़ है जो ऑटोमेटिक ले लेगा और यहाँ पर से सही के बटन पर क्लिक कर देना है। और इतना सब करने के बाद यहाँ पर से आप अपना जाना होगा और यहाँ पर ड्राइंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर से सेव का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना होगा और ये इसको क्लिक करना होगा और यहाँ पर फिर पर क्लिक करना होगा, फिर ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर से अपना एक कलर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर लेना हो। और उसके बाद ऐसे कुछ थोड़ा छोटा करके यहाँ से ऐसे करके ऐसे कलर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको कलर लेना हो। तो यहाँ पर से ऐसे कुछ साइज़ के हिसाब से अपना कलर लेके यहाँ से सही कर देते हैं। तो इतना सब करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर से अब आप अपना टेक्स्ट उठा सकते हैं और टेक्स्ट उठाने के बाद यहाँ पर से आप अपना लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो। तो यहाँ देख सकते हैं ऐसे कुछ लिख करके, ऐसे छोटा कर यहाँ से ऐसे करके और इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ से कुछ कलर इस तरह का सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इसका स्ट्रोक, जो भी स्ट्रोक लेना चाहते हैं वो क्लिक कर लेना और इधर साइड करके यहाँ से शैडो, यहाँ पर से इसका शैडो लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ऐड फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पर से आप दूसरी फोटो भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर से आप टेक्स्ट और भी लिख सकते हैं, जैसे लिख गया अपने यूट्यूब चैनल का प्रोफेशनल तरीके से थंबनेल कैसे बनाए। तो यहाँ पर से कुछ इस तरह लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, पूरा जो भी है कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हम कलर वाइट ले लेते हैं और स्ट्रोक भी थोड़ा वाइट कर देते हैं ताकि देखने में। काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह लगा के आप यहाँ से सही के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप स्टिकर वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं स्टिकर है, होगा ये स्टिकर है। यहाँ पर से आप जो भी जिस तरह का स्टिकर लेना चाहते हैं, तो यहाँ से देखते हैं YouTube का लोगो जैसे है, कोई भी थंबनेल कोई भी स्टिकर यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ऐसे
लगा के ऐसे अपने वीडियो का काफ़ी अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं। और यहाँ पर से इतना सब लिखने के बाद जो जो आपको लिखना है वो सब लिखने के बाद यहाँ पर से आप सही के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एरो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से इसको कट मार देना है। जो भी ऐड आए उसको ऐसे कट मारने के बाद आप सीधा यहाँ पर गैलरी दिख रही है यहाँ पर सेव कर देना है, फिर और डन कर देना है। तो आप सिंपली यहाँ से बैक होकर अपनी गैलरी पर जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी में गए हम, और गैलरी ओपन करने के बाद एल्बम में जाकर यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का हमने YouTube थंबनेल अपना बनाया। तो यहाँ पर से आप काफ़ी बेहतरीन तरीके का इससे थंबनेल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगी ना वीडियो इंटरेस्टिंग? तो इसी तरह के टेस्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए ना सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा नया नया अपडेट आपको जल्द मिलता रहे। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक कर दें वीडियो को। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।